हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सो के भी देखिए एमएड एंट्रेंस का बिहार यूनिवर्सिटी जो दो सेशन का एग्ज़ाम लिया था आपका, सेशन 21-23 का और सेशन 22-24 का, उसका एमएड एंट्रेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब देखिए रिजल्ट जारी हो गया तो देखिए इसमें ना मेरिट लिस्ट का चर्चा है, न किसको कितना नंबर आया उसका भी चर्चा नहीं है, सिर्फ आपका सीरियल नंबर से दे दिया है कि आपका क्रम दे दिया है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर कौन है, समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि अब आपको देखिए हम आपको इसमें सब बताएंगे कि आपका कितना रैंक होगा, कितना आदमी का जनरल तक सिलेक्शन होता है समझे, और कितना आपका रैंक होगा तो आपका हो जाएगा, एक आइडिया हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए आपका कोई भी जिसे आपका ECET जिसे हम भी इसमें मेरा भी नाम है समझे, मेरा तो कन्फर्म हो ही जाएगा क्योंकि 8 नंबर रैंक है और तुर्की में आपका 50 सीट होता है तो हो जाएगा समझे। तो अब इसमें जैसे हम तो दूसरा जगह एडमिशन करवा लें तो हम तो एडमिशन करवा लें तो सीट खाली हो जाएगा, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो इनका भी होगा उनका हो जाएगा उसके बाद समझे। अब इसमें क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि जिनका ज़्यादा मेरिट है उनका नहीं होगा समझे, इसमें कैटेगोरी भी बनता है समझे। इसमें हम सब चीज़ आपको समझाएंगे कि कितना रैंक तक लोग जनरल में आते हैं समझे। इसमें भी 50% सीट लड़की का आरक्षित है समझे, जो सरकार का आरक्षण का जो रोस्टर है आपको हम बताएंगे कैसे कैसे बंटवारा होता है समझे, वो चीज़ आपको बताएंगे। इसमें एक और चीज़ बताएंगे कि बहुत लोग इसमें से होंगे कि दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा ली है, जैसे आपका अभी पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ है 22-24 सेशन का, उसमें बहुत लोग एडमिशन करवा लिए हैं समझे। बहुत लोग दूसरा जैसे हमारे जान पहचान का 5-6 आदमी का रिजल्ट हुआ है, मतलब 3-4 आदमी का, वो लोग दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लिए हैं, तो वो लोग खाली होगा तो वो मेरिट लिस्ट आएगा आपका एक्चुअल, लेकिन फिर भी हम एक अंदाज से बता देंगे किनका हो सकता है किनका नहीं हो सकता है, उस अनुसार मेरिट लिस्ट बने तब समझ गए। अब देखिए आपका एक चीज़ बताते हैं कि जैसे कोई भी जैसे बिहार में जैसे आपका तुर्की आपका जैसे पटना यूनिवर्सिटी का जैसे मेरिट बना, फिर आपका भागलपुर का मेरिट बना समझे, तो उसका हम कटअप के आधार पर आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए पहले आपको बताते हैं कि सीरियल नंबर जैसे ही आपका 21-23 का है समझ गए, तो टॉपर जो की है वो ज्योति कुमारी है। अब कितना नंबर है पता नहीं है समझ गए, नंबर आता तब ना पता चलता है कि 100 में कितना किनको आया है, उसका नाम क्या कुमारी है, मनोज कुमार है, तो आप लोग PDF देखकर अपना देख लीजिएगा आपका रैंक कितना है, रैंक ही आपका सिर्फ पता चलेगा समझे। अब आइए हम लोग आते हैं, ये तो हो गया 21-23 का, वैसे ही आपका 22-24 का भी होगा समझ गए, 22-24 सेशन का भी आपका होगा, इसमें 22-24 सेशन का आपका यहाँ पर है समझ गए। ये आपका 22-24 सेशन का है, इसमें कुमारी प्रियंका जायसवाल क्या है टॉप की है इसमें समझे। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है आपका कि अब कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, 50 सीट आपका तुर्की में है, फिर आपका LN मिश्रा है और एक और कॉलेज है समझ गए, यानी 150 सीट है, यानी 150 सीट आपका 21-23 सेशन में और 150 सीट आपका 22-24 सेशन में, और तुर्की सबको चाहिए। अब तुर्की 85 सीट है, इसमें आरक्षण है, आप देखिए आरक्षण वाला सिस्टम बताते हैं कि कैसे कैसे। अब इसमें मेरिट लिस्ट आपका है आप देख सकते हैं अपना। अब देखिए ये आपका तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो CET है उसका मेरिट लिस्ट है समझ गए। अब देखिए 50 को जो सीट होता है ना, कोई भी CET में 50 सीट होता है MED में समझ गए, और BED में 100 सीट होता है, MED में 50 सीट होता है समझ गए, मेरा भी कॉलेज में 85 सीट है। देखिए तो याद रखिएगा 19 को आपका जनरल का सीट उसमें से रिजर्व होता है, वो लड़का हो या लड़की हो समझे, वो कोई कैटेगरी का हो समझे, उसको 19 को सीट जनरल में जाता है समझ गए। देखिए आपको भी हम बता देते हैं, देख लीजिए सब जनरल अलॉट कैटेगरी लिखा है ना यहाँ पर समझे। अब देखिए इससे आप निकाल सकते हैं कि आप है कि नहीं उसमें शामिल हुई है, अलॉट कैटेगरी जितना देखिए ई है BC2 है समझे, लेकिन इनका अलॉट किस कैटेगरी में है जनरल, इनका एडमिशन जनरल कैटेगरी में होगा, ये BC है, BC1 ये भी है लेकिन जनरल, यानी देख लीजिए 19 तक रिजल्ट क्या होता है आपका जनरल तक बनता है समझ गए। यहाँ देख लीजिए आपका 19 को क्या है जनरल को, यानी आपका 19 सीट क्या होता है या वो कोई भी का अथि का हो, जैसे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो आपका होगा यहाँ पर आपका 19 सीरियल नंबर तक, यानी वैसे मेरिट लिस्ट बने तब ऐसे बनेगा ही, मतलब मैक्सिमम चांस है कि वह का वैसे ही बनता है, यानी धीरज कुमार तक
कन्फर्म मानिए कि आपका रिजल्ट मतलब आपका एडमिशन होगा, समझे। और इसमें मान लीजिए 2-3 आदमी एडमिशन नहीं करवाया, समझे, तो नहीं करवाया तो इसके नीचे वाला आ जाएंगे, मतलब एक अगला जब जनरल का सीट खाली होगा तो उनमें उनका हो जाएगा। अब जैसे भी मतलब करे वो पहला मेरिट लिस्ट बनेगा तो 19 को इतना तक आपका क्या है कि आपका एक जनरल कैटेगरी में जाएंगे, समझ गए, इतना 19 तक। ऐसे आपका 21-23 सेशन में और आपका 22-24 सेशन में आपका ऐसे मतलब 19 सीरियल नंबर तक क्या हो जाएगा कि जो ऊपर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे कि जनरल कैटेगरी में जाएंगे, समझ गए। वो कोई भी कास्ट मतलब कैटेगरी में उससे कोई मतलब नहीं है 19 तक। अब आते हैं हम लोग किसमें, तो अब हम लोग आते हैं इधर देखते हैं कि अब बीसी का क्या लिया है, ईडब्ल्यूएस का कितना लेता है। अब देखिए पटना यूनिवर्सिटी का ही तो आपका टीएनएमयू का है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ 100 को मतलब एक तिलका मांझी भागलपुर में एक सीईटी है और एक प्राइवेट कॉलेज, इसलिए 100 इसमें है तो 100 का दिया है। यानी देख लीजिए लिखा भी है यहाँ पर, सीईटी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देख लीजिए कॉलेज अलॉट भी यहाँ पर लिख दिया है कौन कॉलेज अलॉट हुआ है। तो देखिए गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भागलपुर लिखा हुआ है ना भागलपुर, और 19 सीट आपका क्या होगा सीरियल नंबर आप देख लीजिए, 19 तक क्या है आपका तो जनरल में होता है, समझ गए। 19 तक क्या है आपका जनरल हुआ है, फिर उसका कैटेगरी बनता है। अब देखिए कैटेगरी में किसको, अब पटना यूनिवर्सिटी का भी बता देते हैं। देखिए पटना यूनिवर्सिटी का ही 22-24 सेशन का जो कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है, समझ गए। देख लीजिए आपका 19 सीट तक, देख लीजिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पर, इसका थोड़ा कटअप कम जाता है लेकिन क्वेश्चन इसका थोड़ा टफ आता है। देख लीजिए यहाँ आपका 19 है, देख रहे हैं ये सब यू आर मतलब अनरिजर्व है, यानी यू आर क्या है आपका इतना आपका क्या हो गया अनरिजर्व होता है, यानी ये जनरल में 19 तक आपका क्या करेगा जनरल को उठा लिया जाएगा, समझ गए। अब चलिए हम लोग आते हैं आगे। अब आपका जो कैटेगरी मतलब ए हो गया आपका, अब हम लोग आते हैं कैटेगरी में किसको कितना लिया जाता है, समझ गए। अब देखिए कैटेगरी में किसको कितना लिया जाता था, देखिए अब यहाँ पर आइए, पहले तिलका मांझी में अच्छा से दिया रहता है क्योंकि एक साथ दिया हुआ है किसको कै गो लेना है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में इसमें कै गो लिया है, अब इस पर अब जनरल को तो हमको पता है 19 को ले लिया। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में इसमें कै गो लिया है, ये लड़का लड़की दोनों को लेता है, जैसे देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस में लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 में 3 गो लड़का होगा 3 गो लड़की होगा, क्योंकि यहाँ पर सीट क्या होता है आरक्षित होता है आपका 50% सीट आरक्षित होता है, जनरल को छाँट दीजिए। अब जाएगा 19 को में आपका 31 को जो बचेगा उसमें से 50% लड़का होगा 50% लड़की होगा, देखिए 6 गो सीट है ना तो 3 गो लड़का होगा 3 गो लड़की होगा, देख लीजिए फीमेल 2 गो और आपका कहाँ गया 2 ही फीमेल लिया है इसमें, और 1, 2, 3, 4 गो क्या लिया है आपका मेल को लिया है और 2 क्या लिया है फीमेल, यानी एक ज़्यादा ले लिया होगा, समझे। तो यहाँ पर क्या किया है 2 फीमेल को लिया है और 4 को क्या लिया है मेल लिया। अब बीसी में आते हैं 6 गो सीट में 2 गो फीमेल का 4 गो मेल का लिया है। अब आते हैं हम लोग बीसी में, बीसी में कै गो लिया है, तो बीसी में देखिए कै गो लिया है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर उसके बाद 9 को बीसी लिया है, समझे। तो 9 बीसी लिया है तो उसमें अब लड़की कै गो लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लड़की का इसमें अलग कख नहीं लिया है, एक ही साथ लिया मतलब जैसे भी ले, यानी 9 को बीसी का लिया है, फिर बीसी 1 का, फिर बीसी 2 का 1, 2, 3, 4, 5 पाँच को आपका क्या लिया है बीसी का लिया हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा है बीसी 2 एक पीएच का लिया है, बीसी जी आप बीसी एक जी लिया है यानी फीमेल को ही होगी, समझे, उसको लिया हुआ है। तो ऐसे करके आपका मेरिट बनेगा, समझे, इसे छाँट छाँट के बनता है आपका, समझे। इसमें आपका फिर एससी का भी होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को एससी कैटेगरी का पीएच है, यहू में आपका फ्रीडम फाइटर का भी लिया जाता है, समझे। लेकिन 19 तक ये वो कन्फर्म है आपका कि जो भी लोग आएंगे 19 को में, समझे, कि 19 तक जनरल का सीट पहले रिजर्व हो जाता है, तो 19 तक आपका क्या होंगे कि जो भी लोग 19 में धीरज कुमार तक जो इसमें है आपका इतना मतलब आपका क्या होगा कि सीट क्या होगा, लड़का लड़की कैसे बांटेगा वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपका जारी होने के बाद ही आपका पता चलेगा कि आप है कि नहीं। लेकिन इतना कन्फर्म मानिए जो भी लोग 19 तक है वो लोग क्या है कि आप लोग मतलब कोई भी अथी में है आपका हो जाएगा, समझे। लेकिन बाद में 19 के बाद में कैटेगरी मैच करवाया जाता है कि कैटेगरी के एससी एसटी हो गया बीसी हो गया, समझे, ये सब को लेने के चक्कर में वाले जनरल में आपका नहीं हो सकता है, समझे, कि जनरल में क्या 19 तक लिया जाता है, समझ गए। तो इसमें भी बहुत लोग एडमिशन नहीं लेंगे चाहे बहुत लोग लेंगे, समझे, तो उसके अकॉर्डिंग में तो मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, समझ गए, तो फिर आपका होगा चाहे नहीं होगा, समझे। तो ये चीज़ है, समझे। तो कहने का मतलब हो गया ये आपका मेरिट लिस्ट ऐसे बनेगा, समझ गया, ठीक है, बनेगी।